ढोल ढमाकों के साथ जैनाचार्य जय रत्न सुरीश्वर महाराज का भांडवपुर जैन तीर्थ में हुआ चातुर्मास प्रवेश। जब तप ज्ञान ध्यान आराधना साधना के पर्व चातुर्मास को लेकर निकटवर्ती भांडवपुर जैन तीर्थ में जैनाचार्य जय रत्न सुरीश्वर अपने शिष्य समुदाय सहित शनिवार को सवेरे चातुर्मास को लेकर ढोल ढमाकों के साथ नगर प्रवेश हुआ। नगर प्रवेश को लेकर भव्य वरघोड़ा निकाला गया, जिसमें बैंड बाजे ढोल ढमाकों के साथ महिलाएँ मंगल गीत गा रही थी तो युवा गुरुदेव के जयकारे लगा रहे थे। जैनाचार्य भांडवपुर तीर्थ में प्रवेश करते ही भांडवपुर जैन तीर्थ जिन शासन के जयकारों से गूंज उठा। श्रावक श्राविकाओं ने संतों का सामैया कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान जैन समाज की ओर से पलक पावड़े बिछाकर जैनाचार्य का स्वागत किया गया। महिलाओं ने अक्षत व घोली से जैनाचार्य का स्वागत किया। चातुर्मास को लेकर सज धज कर शामिल युवाओं व पुरुषों ने नृत्य और जिन शासन व जय गुरुदेव के जयकारे लगाकर खुशी का इजहार किया। इसके बाद धर्म सभा हुई। धर्म ही ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को सही राह दिखाता है। जैनाचार्य भांडवपुर जैन तीर्थ में चातुर्मास को लेकर शनिवार सवेरे नगर प्रवेश के बाद धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जैनाचार्य जय रत्न सुरेश्वर महाराज ने धर्म व चातुर्मास के महत्व पर जानकारी दी। जीवन को अगर सार्थक बनाना है तो मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलना होगा, क्योंकि धर्म ही ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को सही राह दिखाता है। इन्होंने की शिरकत चातुर्मास को लेकर जैनाचार्य जय रत्न सुरेश्वर महाराज के नगर प्रवेश के दौरान पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल, अखिल भारतीय त्रिस्तुतिक जैन श्री संघ के वागजी भाई वोरा, भाजपा नेता बाबूलाल एडवोकेट, वरिष्ठ नेता मंगल सिंह सिराणा समेत कई जनप्रतिनिधियों ने भी शिरकत की।